कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं बिजी हो गई हूँ अपने घर के कामों में। अब अच्छा लग रहा है मुझे सब करके। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ये है आज है मंगलवार। शाम से अपना ब्लॉगिंग चालू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं दवा जब खाती हूँ तो दिन नहीं रहता है मुझे, बहुत ज्यादा नींद आता है मुझे, इसकी वजह से मैं सो जाती हूँ। आज है मंगलवार। मेरे पति जी करते हैं मंगलवार का उपवास, मेरे लिए मन्नत था कि वो सिर्फ फ्रूट पे ही रहेंगे। जैसे इसमें एक टाइम खाना खा लिया जाता है वो भी बिना नमक वाला, लेकिन वो नहीं खाते हैं। उनके लिए चाय और मखाना भून कर दे दूँ, फिर मखाना दोबारा भून कर रखूँगी, खीर बना दूंगी मखाना की, तो रात को खा लूंगी। चलिए मिलती हूँ आगे आगे जो भी करूँगी स्टैंड से, आप लोगों को मैं आप लोग से शेयर करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, ये करना सब अच्छा लगता है। अब अपने काम में मैं बिजी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस एक खुश खबरी है, माँ बेटे का हुआ झगड़ा। एक और है उसमें चाय पर वो चाय छन्नी। ओ नीत लड़की 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 जब मैं नहीं थी, मैं बीमार थी 6 महीने, कहीं बाहर थी मुंबई थी, तो ये लोग सिर्फ चाय पे जिए हैं, सिर्फ चाय चाय। अब मेरी मॉम दवा पे, अब मैं दवा पे थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सामा वाला दिया बत्ती जो होता है, यहाँ पे दिया बत्ती लगा कर फिर मैं मंदिर जाऊंगी कि मंदिर के लिए सब दिया तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर तो जला चुकी हूँ दिया हुआ सब कर चुकी हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं इनका उपवास है तो सोच रही हूँ कि माँ खाना खीर बना दूँगी क्योंकि वो रात भर वो फ्रूट पे ही रहते हैं ऐसे बिना, मतलब ये इसमें क्या है मंगलवार को एक टाइम खाना खाना होता है पर ये नहीं खाते हैं, ये फ्रूट पे ही रहते हैं। तो अब इनके लिए तब तक मैं माँ खाना भून कर ये पीस कर तैयार करके रख दे रही हूँ कि फटाफट खीर बना दूंगी, खीर खा लेंगे। अब वही थोड़ा सा मलाई था, ये मलाई वाला नहीं खाते हैं तो निकाल के रख दी। निकालने के बाद अब इसमें मैं दूध डालूंगी, दूध डालने के बाद दूध खोल जाएगा, खोलने के बाद मैं मखाना डालकर अच्छे से उसको चला उला कर मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जब पक जाएगा अच्छे से तो उतार दूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये है नेक्स्ट डे, आज है बुधवार। कल मंगलवार को मैं वीडियो शूट की थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई क्योंकि दवा खाने से क्या होता है ना, नींद आने लगता है। तो चलिए अब फिर मैं यहाँ से तैयार हो गई हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है क्योंकि जो भी कोई कुछ बता रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ हम जा रहे हैं। देखिए क्या कैसे होता है, भगवान करे कि सब ठीक हो। बहुत उम्मीद के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, सब ठीक हो। आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए, मैं अपने बच्चों के पास रहूँ, सबके पास रहूँ, अपने फैमिली के बीच में रहूँ। तो जा रही हूँ अब वहाँ क्योंकि सुबह से बहुत इतना भाग दौड़ था, मैं इतना कर भी नहीं पा रही हूँ कुछ भी, थोड़ा 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 करके कर रहे। उसी बैग में रखो ना, एक ही बैग लेकर चलो। चलिए फिर मिलती हूँ वहाँ जाकर, जहाँ भी जाऊँगी अगर मेरा ठीक होता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। आई होप चलिए जो भी जर्नी है थोड़ा बहुत अभी शुरुआत जो किए हैं वो अच्छा लग रहा होगा आप लोग का। पूरा जैसे घर संभालने पर आई तब तक फिर से जाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी है, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है दुख सुख सब। तो चलिए रास्ते में कुछ बात करते हैं। मैं फैमिली हम लोग निकल मैं निकल चुकी हूँ, मैं और ये और बेटा निकल चुके हैं। कोई बहुत चमत्कारी मंदिर है धाम है, वहाँ जा रहे हैं, भगवान सब कुछ अच्छा करे। अभी मैं रास्ते में आप छः घंटे के बाद मैं अब अपने मंजिल के पास हूँ। यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि सब लोग चाय वाय पी रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा आज पीती हूँ चाय, मुझे भूख लगी थी तो मेरे
मेरा खाना तो घर से ही आता है, कहीं भी जाती हूँ घर से लेकर जाती हूँ, एकदम सिंपल रोटी और सब्जी, क्योंकि बाहर तो खाना एकदम बंद है, और घर में भी खूब तेल मसाला खाना बंद है, तो बाहर तो बाहर है, बाहर तो मिलेगा ही, इसके लिए घर से ही लेकर जाती हूँ। तो अब अपने मंजिल के पास हूँ। मैं भी बहुत दिनों से इनको बोल रही थी कि जाना है जाना है, वहाँ जाना है, वीडियो देख देख कर। एक बार हम वीडियो कराते हैं, देखते हैं, क्या पता कहीं सही हो जाए। इंसान को भरोसा रखना चाहिए किसी भी चीज़ पे, और सबसे ज़्यादा दावा से ज़्यादा दुआ पे दुआ असर करता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर अपने मंजिल पे। ये लोग चाय पी रहे हैं और रुक कर मैं भी ले कराओ ना मेरे लिए। ये लड़का है, कुछ भी अपने पापा से नहीं बोल सकता है, जो मैं बोलूँगी मम्मी बोल दो। वे पूछे चाय पीना है, नहीं है, मुझसे अगर बोल रहे मुझे पीना है। तो चलिए मिलती हूँ फिर अपने मंजिल पे आप लोग से। चलिए तो हम आज यहाँ पे वही मनौना धाम में खड़ी हूँ, आरती चालू है, पंडित जी है, और यहाँ पे बहुत भीड़ भी है, मैं आप लोग से दिखाती हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है मनौना धाम में, अब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ा सा लाइन से ही कैप्चर कर पा रही हूँ। अब यहाँ लाइन में लग कर हम जाएंगे बाबा के पास, 2 घंटे से लाइन में लगी हुई हूँ, बहुत भीड़ है, बुधवार का दिन है, वो बैठने पा गई मैं बाबा के पास। रात को बजने वाले हैं 2, सिर्फ 2 मतनी कि 2 बज चुका है, और हम लोग रास्ते में ही हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, जैसा ऐसे हम लोग उम्मीद, मतलब मैं उम्मीद भी नहीं कर पा रही थी कि दर्शन आज होगा, ऐसे पंडित जी बैठते भी नहीं हैं बुधवार को, लेकिन तकदीर बहुत साथ दिया मुझे, पंडित जी बैठ गए थे भीड़ देखकर वहाँ पर, 8 से 11 बजे तक देखते हैं, उसके बाद से बहुत अच्छा दर्शन भी हो गया। हम लोग वहाँ पे बैठे, अब यहाँ पे लोग खाना वाना खा रुके हुए हैं, कोई रास्ते पे कोई ढाबा है वहाँ, मैं तो घर का ही खाना लाई थी, वही खाए, रोटी और सब्जी खा कर बैठी हूँ, क्योंकि मैं बाहर का कुछ ले नहीं सकती हूँ, इसकी वजह से मैं घर से ही अपने लिए लाई थी। अनीत की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, दिखाती हूँ, पूरा खाली है ढाबा, श्री कुंज ढाबा। ये अच्छा हुआ वहाँ पे ना खीर है, तो मैं इनको बोली मुझे भी कुछ खिला दो भाई, मुझे भी कुछ खिला दीजिए, तो कुछ है नहीं, सिर्फ खीर मिला है, तो खीर खा सकती हूँ, बोल रहे हैं दूध पी लो, नींद के मारे बापरे, सुबह उठकर फटाफट सब लोग मिलकर खाना पीना बनाए, खाना वाना बना उना कर, ये ना मुझे, मैं मोटी रहूं या पतली रहूं, ये डबल चिन आता ही आता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सब लोग मिलकर खाना वाना पका कर फिर फटाफट तैयार हुए, तैयार होकर मैं मंदिर गए, मंदिर से फिर पूजा वूजा की, पूजा करके फिर हम लोग यहाँ भाग कर आए। पानी नहीं है तो, अब देखिए कितने बजे घर पर घर पहुँचूँगी मैं, तो घर पे बच्चों को बता दीजिए फोन करके कि मैं 1 बजे तक आ जाऊँगी, ये बोल रहे हैं 2-3 बजने वाला है। देखिए अब सुबह गुरुवार है, स्कूल भी जाना है इन लोगों को, तो देखिए कैसे क्या होता है। बाकी चलिए फिर देखती हूँ घर पर कितने बजे पहुँचती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आप लोग से वहाँ पे जाकर आप लोग से मिलती हूँ, मैं सब सच्चाई बताऊँगी मनौना धाम का कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि मैं 6 मतलब ये जब मुझे सर्जरी हुई तब से मैं वीडियो देखकर इनको बोलती थी कि मुझे भी आप लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो अब मनौना धाम,
ये सुनते नहीं थे। मैं इनको वीडियो कितना शेयर करती थी, कितना भेजती थी कि आप देखो एक बार, देखो देखो हर जगह, हर एक आदमी झूठा ही नहीं होता है, आप देखो एक बार लेकर चलो मुझे हो। लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आता था। जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो 6 महीने से मेरा बुलावा नहीं आ रहा था। अचानक से प्लान बना, टिकट पूछ रही थी खरखर टीम, जैसे गांव जाने के लिए टिकट करा देते, करा देता हूँ, वहाँ गांव चलना है सती पूजा में हमारा, मतलब ये सावन के महीने में। बहुत लोग के यहाँ, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि सती पूजा होता है, सती पूजा करूँगी, क्योंकि उतनी बड़ी सर्जरी हुई है। बहन मन्नत मांगे थी, घर पे सासू माँ अकेली भी है। ऐसे तो मैं कुछ उतना कर नहीं पाऊंगी, लेकिन जो भी जितना हेल्प होगा मैं करूँगी। मुझसे क्योंकि नहीं आटा गूंथ सकती हूँ, नहीं पूजा रूम में बैठ सकती हूँ ज़्यादा देर तक, तो जितना होगा उतना तो करूँगी। अभी यही है कि एक ही महाला चढ़ना है, एक ही सीढ़ी, तो कोई ये नहीं है सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़ लूँगी। उसके बाद से फिर मायके जाना है, ये सिर्फ एक दिन के लिए। वहाँ से फिर घर आकर आप मुझे कहीं नहीं जाना है, अपने फैमिली के साथ रहना है। क्योंकि अभी बच्चों को पता चला है तो सिर्फ बच्चे पूछ रहे हैं कि फिर जाओगी तो मम्मी कब आओगे। ठीक है आ जाऊँगी आ जाऊँगी। चलिए मेरा आ रहा है खीर, मैं खा लूँ। खीर नहीं है, गुलाब जामुन पर गरम गरम है, गुलाब जामुन आया है, खीर भी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से घर पर।